Assalamu alaikum. I am Ansari Naeem from J.A.T College for Women, Malegaon, from Department of Geography. Today, in this video, we are discussing about the industrial geography, and today our topic is problems, role of software industries इन इंडिया प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट. देखिए जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में आती है. इसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज भी एक इंक्लूड की जाती हैं. हैवी इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड जो इंडस्ट्रीज है उसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इसमें आ जाएगी. ठीक है, आज हम देखेंगे रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन इंडिया, उसके जो प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और इंडिया में इसके जो फ्यूचर में कौन से हमें वेज और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें आज देखेंगे. ये जो रिलेटेड है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री? पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर और व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. ठीक है, देखिए the software industry includes businesses for development, maintenance and publications of software that are using different business models mainly either. ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर में, अगर हम देखते हैं जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइसेस है, मदरबोर्ड्स है, हार्ड डिस्क है, ये सारी चीज़ों से मिलकर एक कंप्यूटर बनता है. ठीक है, ये सारे पार्ट्स हार्डवेयर के पार्ट्स कहलाते, रैम है, रोम है, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर कहलाती. लेकिन जो उसमें प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है, जो उसकी कंप्यूटर की इंटेलिजेंस होती है, जो हम उसको इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कीबोर्ड के ज़रिए कुछ इनपुट दिया, कुछ हमने नाम वगैरह टाइप किए, ये इनपुट हो गया, हमारे स्क्रीन पर जो चीज़ दिखाएगा वो उसका आउटपुट होगा. ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देखते हैं उस पर वो क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट हमें देता है. ये जो प्रोसेसिंग यूनिट में जो चीज़ें यूज़ होती हैं कंप्यूटर की इंटेलिजेंस में, उसे ही सॉफ्टवेयर कहते हैं. किसी प्रोग्राम को चलाने, जैसे फॉर एग्जांपल हमको पीपीटी बनानी है तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या एक सॉफ्टवेयर है. पेंट का यूज़ करते हैं, वो क्या एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर है. अब इसकी भी इंडस्ट्री होती है, वो कंप्यूटर अगर आप सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं, तो सॉफ्टवेयर इसको मान ही रखता है, उसकी भी इंडस्ट्रीज़ होती है. ठीक है, आज हम देखते हैं मेजर स्टेट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया. सबसे पहले हम देखते हैं जो सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया. ठीक है, इंडिया में अगर देखें सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, जो बेंगलोर है, कर्नाटका. ठीक है, सबसे पहले तो वही होगा, चंडीगढ़ है दिल्ली के ऊपर, सॉरी चंडीगढ़ है, उसके बाद हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है, पुणे है और चेन्नई है. ये जो मेजर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी इसे ही कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेजर स्टेट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर कहलाते हैं. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, बेंगलोर, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे एंड चेन्नई. ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं टॉप इंडियन आईटी कंपनीज़ जो हैं, जो इंडिया में सॉफ्टवेयर के काम करती हैं, अगर हमने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस LTD, वो रेवेन्यू उसका $15 बिलियन में 15.4 है. इंफोसिस है, विप्रो है, HCL है, टेक्निकल आईगेट है, सेंटे है ना, मैफिस है, LNT है, ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर जो कंपनीज है वो इंडिया में अभी काम कर रही है. ठीक है, अब हम देखें उसके प्रोस्पेक्ट हम देखते हैं. ठीक है, प्रोस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उससे इंडिया को क्या फ़ायदा है, लोगों को क्या फ़ायदा है, फ्यूचर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम प्रोस्पेक्ट में देखेंगे. सबसे पहले तो जो अहम है, जो इम्पोर्टेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है. देखिए आज कंप्यूटर की मदद से बहुत सारे लोगों ने अपना एक रोज़गार खुद चुन लिया है, ऑनलाइन काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, जो बहुत ज़्यादा उन्हें क्या कहते हैं, उनका इंस्टेंट ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद करता है. तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ये हो सकता है, जो न्यू जनरेशन है उसके लिए ये बेहतरीन फ्यूचर भी फ्राहम
करेगा और एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की मदद से। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस, जो सेकंड होगा, जैसे अभी जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है उसमें कैशलेस सिस्टम है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी का इंक्रीजेस ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। न्यू इंडिया में जो स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे उसमें ज़्यादा डिपेंड हम टेक्नोलॉजी पर होंगे, इसे जो बनाने में मदद देगा वो देगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज ही इसमें इन्वॉल्व होगी। टाइम सेवर है, टाइम बचाती है, कैशलेस अगर सिस्टम हो गया, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कोई भी काम आसान कर, ईमेल करना है ईमेल कर दिए, पैसे ट्रांसफ़र करना है मनी ट्रांसफ़र हो गया, कोई भी चीज़ है हम उसे क्या कर सकते, टाइम उसको सेव हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी भी इसमें होती, एक्यूरेसी यानी उसकी बोला जाए, जिसे हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम हाथों से बनाएं और उस जो वही चीज़ अगर हम मशीन से बनाते हैं, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो चीज़ हम बनाएंगे और जो हम हाथों से बनाएंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। जो हाथ से बनी हुई चीज़ होगी उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी, लेकिन जो मशीन से बनी होगी जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ किया जाएगा उसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी। कंप्यूटर में अगर हम देखते हैं कितना भी बड़ा कोई भी कैलकुलेशन हो, कैसा भी काम हो, बआसानी वो एक्यूरेसी उसमें होती है और वो बआसानी कर सकता है। हेल्प टू मेक अ स्मार्ट सिटी, देखिए यहाँ पर इमेजेस में भी जो स्मार्ट सिटी नज़र आ रहे हैं अबू धाबी का, ठीक है, ऐसे सिटी इंडिया में इंक्रीज करने के लिए, ऐसे सिटी बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी इन फ्यूचर। ओके, अब इसके जो प्रॉब्लम्स है, देखिए हर चीज़ के दो, हर सिक्के के दो रूप होते हैं, ठीक है, ऐसे ही इसमें जैसे प्रोस्पेक्ट है तो जैसे मेरिट्स है तो उसके डेमेरिट्स भी होंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जो इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो है कस्टमर सर्विस, ठीक है, कस्टमर की जो सर्विस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कस्टमर हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो भी थोड़ा सा कम है, ठीक है, अब जो हाईएस्ट लेवल पर लिटरेसी रेट है जो ग्रेजुएट होते हैं वही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उससे लो लेवल के थोड़ा कम यूज़ करेंगे, उससे लो लेवल के तो उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं होती। उसके बाद जो कस्टमर सर्विस की बात करते हैं हम, उसे जो प्रोवाइड करना यहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर जो कस्टमर सर्विस है उसके लिए उनको सेंटर पर जाना पड़ा, हर एयर एरिया में सॉफ्टवेयर के सेंटर्स अभी मौजूद नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स तो हमारे यहाँ पर है, लेकिन लेबर हमारे यहाँ पर सारे बहुत, इंडिया में 60% जो है वो यंग पॉपुलेशन है, मगर उसमें भी जो लेबर है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगने वाले, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो लेबर लगते हैं वो लगते हैं स्किल्ड लेबर लगते हैं, ठीक है, हमारा लेबर तो है मगर स्किल लेबर जो है वो कम है क्योंकि लिटरेसी रेट हमारा कम है। ये लेबर्स हमें स्मार्ट सिटी मिलते हैं, पुणे, मुंबई, कलकत्ता, इन सब रीजन में हमें स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे, मगर अदर जो सिटी है वहाँ पर हमें नहीं मिलने पाते। प्रोडक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एब्सोल्यूएंस, बजट में का भी प्रॉब्लम होता है, मार्केट, पब्लिक रिलेशन, मल्टी नेशन ऑपरेशन, द मोबाइल जनरेशन, डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड वायरस। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अगर हम एक साथ मिलाकर देखते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमको नज़र आता है, बहुत सारे इससे कॉम्प्लिकेटेड भी समझते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना भी वो आसान काम नहीं है। इसमें सबसे जो अहम प्रॉब्लम है जो हैकिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, आजकल अकाउंट भी हैक हो जा रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी कमज़ोर पड़ने जा रहे हैं, वायरस की मदद से अगर हम इंटरनेट कनेक्शन कंप्यूटर या मोबाइल में लगाते हैं तो इंटरनेट से जो वायरस आते हैं वो हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं, हमारी जो सेव जो इम्पोर्टेंस फाइल है, प्रीशियस फाइल है, उसको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलते हैं। सो आज हमारी पीपीटी यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, प्रोस्पेक्ट हैं ये प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू।